श्रीकाल देश विदेश विच अपना पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का मैं कमलप्रीत स्वागत करती हूँ। सब तो पहला मुख खबरां ते एक नज़र। सिख संगतां लई वड्डी खुशखबरी, पाकिस्तान करतारपुर कोरीडोर खोलण लई तैयार। नामजदगी पत्र नूं लैके डॉक्टर चीमा ने कहा हिंसा के मद्देनजर नामजदगियों का समा वधाए चोण कमिशन। करतारपुर साहिब का लांघा खोलण की खबर नाल एसजीपीसी वालों स्वागत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का किया गया धन्यवाद। पाकिस्तान दे विच स्थित श्री करतारपुर साहिब दे दर्शना लई सिख संगतां पिछले लंबे समय तो इंतजार कर रही सन। इस नूं लैके हुण पाकिस्तान सरकार वल्लों खुशखबरी आई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस दे कोरीडोर यानी कि लांघे नूं खोल दिता जाएगा। पिछले लंबे समय तो पाकिस्तान च स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन दीदार की उड़ीक कर रही सिख संगत लई खुशी की खबर है। सूत्रों मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिहाड़े मौके पर करतारपुर कोरीडोर खोलने सहमति जताई है। सूत्रों अनुसार यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार नाल गलबात तो बाद लिया है और जल्द ही इस संबंधी ऐलान भी किया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले तो बाद सिख संगत श्री गुरु नानक देव जी 550वें प्रकाश दिहाड़े मौके बिना वीजा पाकिस्तान जा सकेगी। सूत्रों अनुसार यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार नाल गलबात तो बाद लिया है और जल्द ही इस संबंधी ऐलान भी किया जाएगा। पंचायती चोणां दी नामजदगी नूं लै के कल हिंसा होई सी, इसे नूं लै के श्रोमणी अकाली दल दा बयान आया है। कहा गया है कि इस नामजदगी पत्र नूं भरन दे लई एक होर दिन होना चाहीदा है। श्रोमणी अकाली दल ने सूबे के वख-वख हिस्सों में वड्डे पद्धर से हुई हिंसा करके कल सूबा चोण कमिशन नूं जिला परिषद और पंचायत समिति चोणों वास्ते नामजदगी कागज दाखिल करन दी तारीख अगे करन लई कहा है। पार्टी ने कहा है कि हिंसा दी घटनावां दौरान कांग्रेसी गुंडियां वल्लों अकाली वर्करां नूं नामजदगी कागज दाखिल करन तो जबरदस्ती रोकिया गया है। एक प्रेस बयान जारी करदिआं साबका मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने सूबाई चोण कमिशन जगपाल संधू नूं दस्सिआ है कि जीरा मखू डेरा बाबा नानक अते पट्टी विच जिला परिषद दे समिति चोणां लई किसे अकाली वर्कर नूं कागज नहीं भरन दिते गए। उन्होंने दस्सिया कि कांग्रेसी गुंडिया वल्लों हो रहे बहुत सारे थावां ते अकाली उम्मीदवारां नूं नामजदगी कागज भरन तों रोकिया गया, जिस करके नामजदगी पत्र दाखिल करन दी तरीक च वादा कीता जावे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने श्री करतारपुर साहिब दे लांघे नूं खोलण दे लई पाकिस्तान दा धन्नवाद भी कीता है अते इस दा स्वागत भी कीता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान सरकार वालों श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश दिहाड़े मौके ते करतारपुर साहिब कोरीडोर खोलन दे दित्ते बयान दा स्वागत कीता है। एसजीपीसी प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि जेकर करतारपुर कोरीडोर खुल जांदा है ता इस नाल दोवें देशां दीआं सिख संगतां नूं फायदा होवेगा। भाई लौंगोवाल ने भारत सरकार नूं इस बाबत पाक सरकार नाल गलबात करन दी अपील कीती है। इस दौरान एसजीपीसी प्रधान ने पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान का भी धन्यवाद किया। मीडिया तो जानकारी मिली है कि जिहड़ा श्री गुरु नानक देव साहब जी का गुरुद्वारा करतारपुर विखे जिथे गुरु नानक देव साहब अखीरी समय दे बड़ा लंबा समा रहे इत्थे हलवाया और ये सारिया संगतां की पुरजोर मंग सी कि वो लांघा जिहड़ा है पाकिस्तान सरकार देवे। तो ये गल सच हैगी कि इमरान खान जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान दे उन्होंने कहा कि असं लांघा देने को तैयार हाँ, तो मैं इस गल का स्वागत करना। सो मैं ये भी भारत सरकार ते पाकिस्तान सरकार जे चाहे तो वो लांघा जिहड़ा है गुरद्वारा करतारपुर तक असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और पक्का कर सकते हैं कि वधिया लांघा बनवा सकते हैं। सो ये दोनों सरकारों को चाहिए कि ये जी सिख संगतां की भावना मुख रखते हुए साड़ी मंग है यू प्रवान कर। फिलहाल वक्त छोटे जे ब्रेक दा, ब्रेक दे उस पार भी खबर जारी रहनगियां। अपना पंजाब ग्रुप तुहाडी सेवा दे विच लै के आए ने कैनम फोन। मैं क्या किथे है, मैं ता कैनम दे गई सी। ओ कैनम की? कैनम फोन, पिनलेस फोन सर्विस, साफ सुथरी आवाज, कोई वादू चार्ज नहीं। कनाडा ते अमेरिका तो इको ही रेट, इंडिया सेल ते लैंडलाइन इको ही रेट, ते नाले 1500 मिनट फ्री। जिन्नी गल करियो उन्ने ही पैसे कटणगे। जी हाँ, भरोसे योग सर्विस। आज ही कॉल करो 7185761201 अते 7185761840 ते। ब्रेक तो बाद तुहाडा मुड़ स्वागत है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तो चीन को धमकी दी है कि उन्होंने दरामद दरां नूं होर वधा देणगे।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ NRI TV ਤੇ ਐਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ USA ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 516-998-3222 ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815-4000